Good morning, students. Welcome back in your maths class. Yesterday we have done table of 5. All of you have learned. सब बच्चों ने टेबल लर्न कर लिया. सबसे पहले वी विल रिवाइज टेबल ऑफ 5. स्टार्ट टेबल ऑफ 5. 5 0s are 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. अब हम टेबल रिवाइज करने के बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट वन मोर न्यू कंसेप्ट. वी विल स्टार्ट स्किप काउंटिंग बाय 5. ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस. व्हाट इज द डेट टुडे? डेट जुलाई 2020. एंड व्हाट इज द डेट टुडे? वेडनेसडे. टुडे वी विल स्टार्ट स्किप काउंटिंग बाय 5. स्किप काउंटिंग बाय 5. ओके, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू हैव डन स्किप काउंटिंग बाय 2s, 3s एंड 4. टुडे वी विल स्टार्ट स्किप काउंटिंग बाय 5. लाइक दिस. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. स्किप काउंटिंग बाय 5 के लिए आपको कितने टाइम जंप करना है? कितने टाइम करना है? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5. इट मीन्स 5 टाइम. यहां पर एक बर्ड है, उसको फ्लाई करके उसको स्किप काउंटिंग बाय 5 के अकॉर्डिंग फ्लाई करना है. तो वो कैसे जंप करेगा? 1 को लीव करा, 2, 3, 4, कहां पर आएगा स्किप काउंटिंग बाय 5 में? 5 पे पहुंच गया. अब फिर से उसे फ्लाई करके अगेन 5th नंबर पे जाना है. तो 6 को 7, 8, 9, 10 यानी 5 टाइम उसने फिर से स्किप किया. 5 टाइम फिर से किया उसने फ्लाई, जंप किया धीरे धीरे, और लास्ट में वो किस पे पहुंच गया? 10. अगेन उसने 5 टाइम फिर जंप किया, 11, 12, 13, 14, then 15. ओके, हमें स्किप काउंटिंग 5 का मतलब होता है हमें एवरी 5th नंबर पर पहुंचना है. आपको यू विल रीच एट द एवरी 5th नंबर. एज आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जांपल्स, देयर आर हैंड्स. How many finger? 5. One hand में 5 finger. अब हमें इन दोनों को करना है, यानी 5th नंबर पे फिर पहुंचना है. तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 6, 7, 8, 9, 10. यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा? 10. अब हमें इन तीनों को काउंट करना है, तो अगेन 5th नंबर पे जाना है,
11, 12, 13, 14, 15. अब हम इन्हें 4 हैंड्स को ऐड करना है. अब हमें नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जाना है. फिर क्या आएगा? 16, 17, 18, 19, then 20. Like this. One more example here. You have some cups. You have some cups. How many beads are all together? यहां पर कुछ कप रखे हुए हैं. और every cup में 5 beads हैं. देखिए, देयर आर सम कप्स. यहां पर देखिए कितने बीड्स हैं. 5, 1, 2, 3, 4, 5. अब हमें नेक्स्ट 5 को काउंट करना है. 6, 7, 8, 9, 10. फिर से नेक्स्ट 5, 11, 12, 13, 14, 15. नेक्स्ट 5, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट 5, 21, 22, 23, 24, 25. नेक्स्ट 5, 26, 27, 28, 29, 30. नेक्स्ट 5, 31, 32, 33, 34, 35. Like this, you will count. You can count with many patterns like number lines, hands and beads. Now, we will do some exercise in your notebook. So, open your notebook and mention date. And write day also. And you will write skip counting by 5. Okay? Now, A part 5, 10, 15, अब आप यहां पर खुद काउंट करके लिखेंगे कि यहां पर क्या आएगा. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आप फिर से स्किप काउंटिंग बाय 5 करके बताइए क्या आएगा. 20 के बाद 21, 22, 23, 24 and 25. Now, B part 18, 23 and 28. अब आप लोग काउंट करिए कि what will come here. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Then 34, 35, 36, 37, 38. Now
पार्ट 49, 54, then 59, बताइए क्या आएगा 60, 61, 62, 63, then 64 64 से किस पे जंप किया 65, 66, 67, 68, then 69 Now, D part 24, 29, then 34 अब बताइए यहां पर क्या आएगा 35, 36, 37, 38, then 39 अब हमें फिर से कहां से जंप करना है 39 से किस पे जंप करेंगे 40, 41, 42, 43, then 44 E part 75, 80, 85 अब बताइए क्या आएगा 85 से किस पे जंप करेंगे 86, 87, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95 You will do this work in your notebook. आपको ये वाला वर्क अपनी नोटबुक में नोट करना है ओके? और इसी के साथ में आपको एक होमवर्क भी करना है कौन सा होमवर्क करना है HA डू पेज नंबर 103 इन बुक ये वाला वर्क आपको अपनी बुक में फिल करना है देखिए आपकी ये बुक है मैथ साइट इसमें आपको अपना पेज नंबर 103 स्किप काउंटिंग यू ऑलरेडी हैव डन स्किप काउंटिंग बाय टूज थ्रीज एंड फोर्स आपको ये वाली एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है ओके दिस इज योर होमवर्क यू विल कंप्लीट योर वर्क एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास Bye.